दे दी हो, लेकिन डेंगू का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह में अभी भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो उधम सिंह नगर जिले में 971 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक डेंगू और वायरल फीवर की वजह से जिले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ शैलजा भट्ट ने बताया कि अब तक 971 डेंगू के मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। राम मूर्ति अस्पताल में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें एक मरीज को डेंगू बताया गया। अन्य मौतों के डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। डेंगू के हम लोगों के टोटल सैंपल लगाए हैं 1671, जिसमें से 917 पॉजिटिव आए हैं। और जिला अस्पताल में भी डेंगू के मरीज जो हैं वो भर्ती हो रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं और ठीक होके भी गए हैं। जिला अस्पताल से कोई भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है और न ही जिला अस्पताल में किसी भी मरीज को ब्लड या प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कि डेंगू से डेथ कितनी हुई है, कन्फर्मेटरी डेंगू जब इलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी हम उसको डेंगू मानते हैं। जो कार टेस्ट होते हैं वो केवल एक सस्पिशन देते हैं, कार टेस्ट कभी भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। बुलेटिन में वक्त